अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक हैं। तो चलिए जी, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी प्रिपरेशन है वो मैं कर रही थी, एंड साथ ही मैंने वेजिटेबल वगैरह भी कट कर लिया था। एंड ये था असर के बाद का टाइम। यहाँ पे असर की अजान हो चुकी थी एंड हमें नमाज़ भी पढ़ना था, तो यहाँ पे मामा नमाज़ पढ़ने गई थी एंड मैं यहाँ पे जो छोटे मोटे काम है वो मैं ख़त्म कर रही थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर दूँगी एंड मामा आ जाएंगी तो मैं नमाज़ पढ़ने चले जाऊँगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारा जब मैं किचन में होती हूँ तो मामा नमाज़ का टाइम होता है, तो मामा जाके नमाज़ पढ़ लिया करती हैं एंड वो मामा किचन में आती है तो मैं जाके नमाज़ पढ़ लिया करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पकौड़े वगैरह हम यहाँ पे फ्राई करने जा रहे थे, तो यहाँ पे जितनी प्रिपरेशन है मैं यहाँ पे सारे डन करके रख दूँगी एंड मामा आएंगी तो इसे फ्राई करेंगी एंड तब तक मैं चली जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। तो यहाँ पे मामा आ गई थी एंड मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने। तो यहाँ पे पकौड़े भी हमारे फ्राई हो रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के आ गई थी किचन में एंड साथ ही हम जा रहे थे अपना सालन बनाने। एंड साथ ही यहाँ पे मैंने एक को कट करा था एंड यहाँ पे हम आगे चलते अपने सालन की तरफ। तो यहाँ पे मैं हमने आज बनाने लगे थे आलू गोश्त। इसके लिए हमने लिया था करीबन 3 मीडियम साइज़ का आलू एंड इसे पील करके इसे 2 भागों में कट कर लिया था। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो है हमारा आलू गोश्त। तो आलू गोश्त हमारे घर में बहुत ही रैंडमली बनता है, हमेशा नहीं बनता है, क्योंकि आज हमारा दिल था तो हमने आज आलू गोश्त बनाया था। तो यहाँ पे हम घर पे सारे कोई नहीं थे क्योंकि अब्बा और भाई वगैरह का डिनर दावत था, तो हम सिर्फ घर में लेडीज़ ही थे। तो हमने सोचा कि चलो हम आलू गोश्त बनाते हैं। तो आलू गोश्त का भी स्टोरी मेरे घर में है, बहुत बड़ा स्टोरी है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम मटन नहीं खा दिया करते थे, तो मामा हमें आलू गोश्त बना के दिया करती थी एंड हम उस और हमें आलू के साथ साथ मटन भी खिला दिया करती थी। तो ऐसा हमारे साथ चीटिंग हुआ करता था बचपन में। तो तब हमें आदत भी नहीं था मटन का, बिल्कुल हमें पसंद नहीं था मटन। इधर हम ना खाना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आलू को जो है फ्राई कर लेंगे, वो उसे कलर चेंज होने तक हाई फ्लेम पे से फ्राई कर ले एंड इसके बाद ही हम इसमें डालेंगे मटन एंड थोड़ी देर फ्राई करेंगे। यहाँ पे सालन आपको बिल्कुल भी सिंपल बनाना है, जैसे हम नॉर्मल सालन बनाते हैं वैसे ही बनेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे हमारे आलू को देख सकते हैं कि इसका कलर आपको हमें ज़्यादा अभी ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन लाइट नहीं करना है, वैसे ही हमें जितना है नॉर्मल गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे अनियन एंड इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे। एंड यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे सॉल्ट ऐड करके इसे ढक के छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमने मसाले वगैरह ऐड कर दिया था। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिस जैसे नॉर्मल सालन बनाते हैं आप वैसे ही इसमें नॉर्मल से मसाले जो इसमें जाएंगे वो नॉर्मल से स्पाइसेस इसमें आप ऐड कर दें, क्योंकि मैं वो शायद मैंने सूट नहीं करा था, मैंने बहुत ढूंढा बट नहीं मिला। तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, मटन का सालन आपको वैसा ही सेम टू सेम बनाना है। तो यहाँ पे हमारा जो अनियन था वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था, तो अब हम तो इसमें अपना जो है पोटैटो डाल देंगे एंड इसे हम फ्राई करेंगे। तो आप मेरे लैंग्वेज पे बिल्कुल भी मत जाना, मैं लैंग्वेज वॉइस ओवर करते समय मेरा लैंग्वेज बहुत ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम ना अपने जो आलू को मिक्स करेंगे उससे हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे एंड इसी में हमें आलू को पकाना है। एक्स्ट्रा हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, उस टाइम हमें बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ जो हमारे आलू हैं वो ज़्यादा ही वो गल जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे फ्रूट वगैरह हमने कट कर लिया था क्योंकि इफ्तार का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े वगैरह भी रेडी थे, तो यहाँ पे मैं अब सर्व करूँगी पकौड़े। एंड हमारा उधर आलू गोश्त भी रेडी था एंड साथ में हमने बनाया था दाल एंड साथ में राइस। तो ये था हमारा सिंपल सा एज अ डिनर एंड यहाँ पे इफ्तार भी हमने बहुत ही सिंपल रखा था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बन रहा इफ्तार में, जो है वही वो सब ही बनता है एंड उससे कम ही बन रहा है क्योंकि अभी हम ना बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा इफ्तार इधर।
तो यहाँ पे रमज़ान के बहुत ही कुछ दिन बचे हुए हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है ईद का। तो रमज़ान कैसे चला गया तो हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चला इस बार। तो यहाँ पे हमने अपने जो इफ्तार का है वो सर्व कर लिया था एंड हम इफ्तार करेंगे इसके बाद। एंड साथ ही मामा शायद मस्जिद में भेज चुकी थी या फिर आगे भेजेंगी, पता नहीं वीडियो में है या भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे हम इफ्तार सर्व कर रहे थे एंड हमारे जो चना वगैरह है हमने बनाया था। नहीं, अभी यहाँ पे सब ही हो रहा था, अभी गया नहीं था। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी वाटर नहीं चाहिए था इसमें सालन में, ये सालन बिल्कुल भी इसमें वाटर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सालन था, आलू गोश्त था, वो बिल्कुल भी रेडी हो चुका था। तो अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लेम बंद कर दिया था क्योंकि ये डन हो गया था। अच्छा, तो इफ्तार करने के बाद ही शायद उसके बाद से मैंने सूट नहीं करा हो। तो यहाँ पे हम आ गए थे अपने मिल्क की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया था करीबन 2 kg मिल्क एंड इसे हम बॉईल करेंगे एंड साथ ही हम यहाँ पे टी भी बनाएंगे। आजकल मार्केट में दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, इसमें से पनीर निकालना इतना टफ हो गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं तो बिल्कुल भी, ये वाला जो हिस्सा मेरे, ये 10 दिन जो गुजर रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ ये मिल्क को पनीर निकालने को लेकर। कुछ से भी ये निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। मिल्क कैसा है, मिल्क है या नहीं है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट जैसे भी हो हमें निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बनाए जा रहे थे टी क्योंकि इफ्तार के बाद का टाइम था, मैंने इफ्तार किया था एंड हम आ गए थे किचन में। यहाँ पे हमारे दूध वाले अंकल जो थे वो दूध ला के रख दिए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैंने सारे दूध को एक ही साथ ही बॉयल करके रख देती। तो यहाँ पे हम करने जा रहे थे अपना डिनर एंड ये था हमारा सिंपल सा डिनर। वैसे तो आज मैंने बहुत शौक से ही आलू गोश्त की फरमाइश की थी कि हमें आलू गोश्त खाना था, बट मेरा डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, हमें सूट करना था, जिस वजह से मुझे डिनर करना पड़ा। तो ये आज थी 27वीं रमज़ान की रात, बिगनिंग ऑफ 27वीं रमज़ान। तो यहाँ पे हमारे घर से जो है स्वीट जाता है मस्जिद में क्योंकि आज तरावी की खात्मे का दिन था। तो इसके लिए अब्बा की तरफ से स्पेशल ऑर्डर पे ये लड्डू बनते हैं एंड साथ ही हमारा मस्जिद में जाता है। तो यहाँ पे हम आ गए थे अपनी सहरी की तरफ एंड यहाँ पे मैंने पराठे बना लिया था एंड साथ ही अब हम यहाँ पे अपना पनीर निकालेंगे। तो यहाँ पे पनीर निकालने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि ये जल्दी निकलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ये तो जो 25 रमज़ान जो गया वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे पनीर निकल जाता था, बट इधर पनीर निकल ही नहीं रहा है, ये मिल्क से अलग होता ही नहीं है जल्दी। हमने इसमें बहुत कुछ डाल के ट्राई करा, जैसे लेमन, अगर वो वाटर से नहीं निकलता है तो लेमन हमने डाला था, बट उससे भी नहीं निकल रहा है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे पनीर निकालने के लिए। तो हमें लगता है कि मिल्क में ही प्रॉब्लम है, जिस वजह से पनीर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। एंड करीब 1 kg मिल्क में करीब 200 ग्राम पनीर निकलता है, बट उससे कम ही निकल रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब जितना नॉर्मल निकलता उतना भी नहीं निकल रहा है। आई डोंट नो व्हाई इतना मिलावट क्यों करते हैं लोग, हेल्थ के साथ क्यों खेलते हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो खैर, यहाँ पे हम अपना सहरी करने लगे थे। तो यहाँ पे मैं लड्डू खा रही थी क्योंकि ये लड्डू मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाले लड्डू। एंड स्पेशल 27th जो रमज़ान की स्वीट्स के तौर पे मैं इसे खाती हूँ एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सेवैया बनाने लगी थी, ये मेरी सिस्टर के लिए मैं यहाँ पे सेवैया बना रही थी बिकॉज उसे खाना था सेवैया, तो उसके लिए मैं सेवैया बना रही थी। एंड साथ ही मैं यहाँ पे पनीर का वेट कर रही थी कि पनीर निकले कि आगे का हम सेहरी अपना करें। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग में था पनीर निकलना। तो ये हम रेडीमेड सेवैया, जो आप लोगों को पता है ये कितनी इजी वे में बनती है, बस इस हमने सेवैया डाला, इसमें डालेंगे शुगर एंड साथ में हम डालेंगे मिल्क एंड दैट्स इट। ये हमारा इंस्टेंट सेवैया बिल्कुल भी रेडी होगा।
तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे डिले कर दिया था क्योंकि यहाँ पे साया मैं करने जा रही थी अपनी सहेली। तो यहाँ पे मैं जो मेरा स्टोर हुआ पड़ा था ये लस्सी का स्टॉक, तो मैं उसे ख़त्म कर रही थी क्योंकि मैंने करीब मेरे हिस्से का करीब 5 बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पे इसे ख़त्म करूँगी। एंड यहाँ पे मैं पनीर की वेट कर रही थी। मुझे ये हम ना अच्छा लगता है पीना, मुझे सहरी के टाइम हम ये एनर्जी ड्रिंक वगैरह बाकी सब लेते हैं, मैं लस्सी या फिर छाछ वगैरह लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा पनीर निकल गया था, तो एंड ये मैं सब करी थी अब्बा को। अब्बा ने बोला कि आज मेरे को खाने का दिल नहीं है, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा ही निकाल के दिया था। एंड एक हमारा जो प्रोसेसिंग पे था तो वो हमारा पनीर निकल रहा था। तो आज मैंने अपने सहरी में पनीर वगैरह नहीं लिया था, बस मैंने वो लस्सी पिया था एंड उसके बाद ही मेरा टमी जो था वो पूरा फुल हो गया था, इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ज़रूर याद रखें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।